गेस्ट हुए, उनमें से सबसे पहले मैं हैंडल्स लूंगा बिंदु पांडे जी का। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब में आने से पहले कितना पानी पीते थे और अभी कितना पानी पीते हैं लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब की सपोर्ट से। यस बिंदु पांडे जी, फटाफट से आप अपने को अनम्यूट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। सर मैं तो 3 कटोरी पानी से पूरा दिन, मुझे तो डॉक्टर ने मना कर रखा था, मैं पानी पीती ही नहीं थी सर। और डॉक्टर ने मना कर रखा था जी सर, मुझे बोल रहे थे कि आपके वजह बॉडी में ना बहुत पानी है। ओके। तो मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा था आपको पानी ज्यादा नहीं पीना है। पानी ज्यादा नहीं पीना। और अभी मैं 4-4.5 लीटर पानी पीती हूँ और 3 महीने हो जाएगा 15 तारीख से, मेरा 11 किलो वजन कम हो गया है और बड़ी अच्छी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। बिंदु पांडे जी ब्रेक लगाओ, जिस डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी बॉडी में पानी ही पानी है, आपको पानी नहीं पीना है, क्या वो डॉक्टर आपके नियर बाय रहते हैं? कानपुर में रहते हैं सर, कानपुर हॉस्पिटल है बड़ा। हाँ, बड़ा हॉस्पिटल। कभी चांस मिले तो उन डॉक्टर जाना और उनको बताना कि सर आपने पानी पीने के लिए मना किया था, लेकिन आज मैं 4.5 लीटर पानी पीती हूँ और 4.5 लीटर पानी पी करके ठीक हो चुकी हूँ। आपकी मेडिसिन से ठीक नहीं हुई, यहाँ पे किसी भी बीमारी का ठीक करने का कोई दावा नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे खान पीन और आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर फोकस किया जाता है, 100% आपकी फिटनेस को अचीव कराया जाता है, राइट? तो बिंदु पांडे जी एक बार जाकर के जरूर उस डॉक्टर को बोलिएगा कि आपने मना किया था पानी पीने के लिए, लेकिन मैं आज अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोच की गाइडलाइन में 4.5 लीटर पानी पी रही हूँ और आज मेरी लाइफ में 100% बदलाव आ रहा है, राइट? तो इसी के साथ में नेक्स्ट एड्रेस है अलका त्यागी जी का, अलका के पास चलेंगे। फटाफट से मैम अपने को अनम्यूट करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब में आने से पहले कितना आप पानी पीते तो आज की स्टेटस क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। इस फिटनेस में आने से पहले सर मैं 1 या 2 ग्लास पानी पीती थी, मुझे प्यास ही नहीं लगती थी पूरे दिन, लेकिन जब से मैं इस क्लब से जुड़ी हूँ मैं 6 लीटर पानी पीती हूँ। 6 लीटर पानी पीते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मैम अपने लिए क्लैपिंग करो कि आप 6 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दिया आपने। आपको भी डॉक्टर ने मना किया था कि पानी पीने के लिए? नहीं सर, मुझे डॉक्टर ने किसी ने मना नहीं, मैं प्यास ही नहीं लगती थी, बस 1 या 2 ग्लास पूरे दिन में पानी पीती थी। 1 या 2 ग्लास पूरे दिन में पानी पीते थे, राइट? अब ऐसा क्या हुआ अलका जी कि आप लाइफ स्किल में कनेक्ट हो गए और आपको प्यास भी लगने लगी? सर मुझे बहुत हेल्दी महसूस थी, सबसे पहले मैं बहुत ओवरवेट थी और मुझे जो मैं इंसानों से नॉर्मल बातें करती थी तो मुझे सांस फूलता था, मुझे थायराइड भी था, मुझे लेग पेन बैक पेन बहुत ज्यादा थे, यहाँ तक कि मैं झुक करके झाड़ू भी नहीं लगा सकती थी। ओके। तो मैं खाना बनाती थी तो ये चीज मेरी बहुत ज्यादा से जबरदस्ती हाथों को खींचता ना, इसीलिए इसी तरह से तो मुझ पर रोटी भी नहीं बनाई जाती थी, लेकिन ससुराल है काम तो इमरजेंसी में करना ही पड़ता है सर। फिर क्लब से जुड़े हूँ, जब से मैंने न्यूट्रिशन चालू किया है मेरा थायराइड भी नॉर्मल आया है और ना ही मुझे सांस फूलता है और ना ही मेरे लेग पेन है ना ही बैक पेन है और पानी भी बहुत अच्छा इंटेक कर रही है और बॉडी बहुत मेरी एनर्जी करती है, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, दिन एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अलका त्यागी जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि 2 ग्लास से 6 ग्लास पे आ गए। शायद उनके कोच रोहित एंड शालिनी त्यागी जी ने कुछ उनके ड्यूटी ऐसा भेज दिया है कि उनको एक्स्ट्रा प्यास भी लगना स्टार्ट हो गई है, राइट? सर मैं 1-2 ग्लास पानी पीती थी यहाँ सेक्शन में आने से पहले, मुझे प्यास लगती नहीं थी और मैं वो भी 1-2 घूंट करके पीती थी पूरे दिन में 1 या 2 ग्लास। 1 या 2 ग्लास, राइट? अभी कितना आप इंटेक कर लेते हैं? सर मैं अब 6 लीटर के करीब पानी पी लेती हूँ। 6 लीटर के करीब पानी पी लेते हैं, राइट? सबसे पहले आप अपने लिए क्लैपिंग करो कि आप 1 से 2 ग्लास से 6 लीटर में आ गए, राइट? आज भी लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब आपकी लाइफ में नहीं आता तो आज भी बदलाव नहीं होता। तो हमारे सबके नियर डियर ब्रदर सिस्टर और रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी पानी को अच्छे से नहीं पीना जानते होंगे और 1 से 2 ग्लास पानी पी करके आज भी अपनी लाइफ को सफल कर रहे होंगे। तो क्या हम सब लोग मिलकर के आज उस मिशन को ले सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में बदलाव आया है पानी पीने के साथ साथ में, क्या जो हमारे नियर डियर हैं उनको भी तो सेहत की जरूरत है? अगर सेहत की जरूरत है, हमारे फैमिली मेंबर को भी सेहत की जरूरत है, तो उनको भी लाइफ स्टाइल फिटनेस क्लब के बारे में बताएं और वो लोग भी यहाँ पर आकर के अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे और जाने के साथ साथ में वो लोग भी पानी पीना सीख जाएंगे।
लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब की सपोर्ट से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।